Hello students, welcome back to my YouTube channel Pharmacy with Priya. So this is the part 3 of your Neozooms lectures. इससे पहले मैं part 2 and part 1 भी upload कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं. और आज के इस part में हम Neozooms के methods of preparation को discuss करेंगे. क्या क्या methods of preparation हैं आपके? Handshaking method, reverse phase evaporation technique, ether injection method, multiple membrane extrusion method, सोनिकेशन, बबल मेथड एंड प्रो नियोसोम्स. तो ये सारे मेथड हैं जिनसे हम नियोसोम्स को प्रिपेयर करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द मेथड्स, जो एक कॉमन स्टेज है, जो आप कोई भी मेथड यूज करो, हमेशा आपको ये स्टेजेस तो आती ही हैं उसमें. वो क्या क्या स्टेजेस हैं? वी टेक कोलेस्ट्रॉल एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, वी लेट देम डिजॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज देन ड्राइड अप, एक थिन फिल्म फॉर्म होती है और उसको फिर हम हाइड्रेट कर देते हैं. तो इससे हमें नियोसोम सस्पेंशन मिल जाती है. तो चाहे मैं इनमें से कोई भी मेथड यूज कर लूँ, ये जो चीज़ें हैं ये सब में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द हैंड शेकिंग मेथड. इन दिस द मिक्सचर ऑफ वेसिकल्स फॉर्मिंग इंग्रीडियंट्स लाइक सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल आर डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क. आप क्या करोगे, आप सर्फेक्टेंट लोगे और कोलेस्ट्रॉल लोगे, क्योंकि इसी से आपकी वेसिकल फॉर्मेशन होनी है. उनको आप डिसॉल्व कर दोगे एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में. अब ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये डाइएथाइल ईथर भी हो सकता है, ये क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, और ये मिथेनॉल भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो. उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है, उसमें क्या करना है, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिमूव्ड एट रूम टेम्परेचर यूजिंग रोटरी इवेपोरेटर, लीविंग अ थिन लेयर ऑफ सॉलिड मिक्सचर डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द फ्लास्क. अब इस पूरे मिक्सचर को मैंने किसमें ऐड कर दिया, रोटरी इवेपोरेटर में. उसके बाद उसको ड्राई कराया, तो क्या मिल गया मुझे, एक थिन लेयर मिल गया. ठीक है, फ्लास्क की वॉल पे थिन लेयर मिल जाएगा हमें. The dried surfactant film is hydrated with aqueous phase at temperature slightly above the phase transition temperature of the surfactant used with gentle agitation. अब हम क्या करेंगे, उस फिल्म को जो हमें ड्राई फिल्म मिली है, हाइड्रेट कराएंगे एक्वस फेज से. और वो जो एक्वस फेज होगा, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी slightly above the phase transition temperature of the surfactant used. जो भी आपने surfactant use किया है, उसका जो भी phase transition temperature है, उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा temperature होना चाहिए aqueous phase का. This process forms typical multilamellar neosomes. इससे आपको multilamellar neosomes मिल जाएंगे. ये हमने diagram के through बताया है. S stands for surfactant, C stands for cholesterol. यहाँ पे था ना, इन दोनों को मैंने लिया हैंड शेकिंग या रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर में. फिल्म फॉर्म हो गई, वैक्यूम से ड्राई हो गई. उसके बाद मैंने ये जो फिल्म्स थी इनको हाइड्रेट किया और नियोसोम डिस्पर्शन हमें मिल गई. सो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड. इन दिस कोलेस्ट्रॉल एंड सर्फेक्टेंट 1:1 आर डिसॉल्व्ड इन अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म. तो इसमें आप क्या ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड सर्फेक्टेंट ले रहे हैं, उसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, ईथर और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर में. रिवर्स फेज लोगे जिसमें ड्रग होगा, इन दोनों चीजों को लेके हम सोनिकेट कर देंगे, एक क्लियर जेल हमें मिलेगा. उस क्लियर जेल को हम क्या करेंगे, फर्दर सोनिकेट करेंगे थोड़ा सा बफर डाल के. फिर ऑर्गेनिक फेज अभी हमने रिमूव नहीं किया था, उस वाले में कर दिया था, इसमें अभी रिमूव नहीं किया हुआ है. अंडर लो प्रेशर हमें रिमूव भी करना है, तो उसको हम रिमूव करेंगे. फिर मुझे एक विस्कस नियोसोम सस्पेंशन मिल जाएगा. अब वो विस्कस है, उसको फिर से डायल्यूट करना पड़ेगा. फिर से डायल्यूट करेंगे बफर डाल के और हीट कर देंगे वाटर बाथ पर 10 मिनट्स के लिए. तो इसका एक एग्जाम्पल है जो डिक्लोफेनाक सोडियम नियोसोम्स हैं, ट्विन 85 यूज करके रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड से बने थे. तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, फ्लो चार्ट के थ्रू ज्यादा चीजें समझ आती हैं. सल्फेटर एंड कोलेस्ट्रॉल 1:1 में हमने लिया ईथर या क्लोरो, कोलेस्ट्रॉल को लिया ईथर या क्लोरोफॉर्म में. यहाँ पे ड्रग ले लिया, दोनों को सोनिकेट किया, पीबीएस डाला, फिर सोनिकेट किया, फिर ऑर्गेनिक फेज को रिमूव किया. कितने पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे अंडर रिड्यूस्ड, यहाँ पे था अंडर लो प्रेशर या रिड्यूस्ड प्रेशर. विस्कस नियोसोम सस्पेंशन को डाइल्यूट करा और हीट कर दिया, जिससे हमें नियोसोम्स मिल गए. तो ये क्या था, रिवर्स फेज इवेपोरेशन. इससे पहले क्या था, हैंड शेकिंग मेथड. तो दो मेथड अब हमने पढ़ लिया. अब हम आते हैं ईथर इंजेक्शन मेथड पे. दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ मेकिंग नियोसोम्स बाय स्लोली इंट्रोड्यूसिंग अ सोल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट डिसॉल्वड इन डाइएथाइल ईथर इनटू वार्म वाटर मेंटेन्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस.
The surfactant mixture in ether is injected through 14 gauge needle into an aqueous solution of material. Vaporization of ether leads to formation of single layered vesicles. Depending upon the conditions used, the diameter of the vesicle range from 50 to 1000 nanometer. So, ये भी एक बहुत easy सा method है. हम इसमें ना एक 14 gauge की needle लेते हैं. ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या फिल करते हैं या क्या क्या ऐड कर देते हैं, सर्फेक्टेंट जो कि हमारा डिजॉल्व्ड है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. अब इस पूरी असेंबली को, ये जो आपके निडल के अंदर हमने डाल दी, इसको हम एक एक्वस सॉल्यूशन है उसमें इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर अब जब हमने इंजेक्ट किया ना, अभी तब वो जो ईथर है उसको वेपराइज कराएंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, आपका ये 50 टू 1000 नैनोमीटर तक के नियोजोम्स दे देता है आपके जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग. यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है, डायग्राम्स मैंने जानबूझ के रखे हैं क्योंकि उससे ना आप एक मतलब अच्छे से समझ आता है. देखो, ये आपका एक्वस फेज है, ये स्लो इंजेक्शन इसमें जा रहा है, वाटर बाथ है, ईथर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है और ये सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल का दोनों का ईथर सॉल्यूशन में हमने रेशियो में डाल दिया है. समझ आया, यहाँ पे हमने ये लिया, यहाँ से डाल रही हूँ, ईथर इवेपोरेट हो रहा है, आराम से न्यूज़ मिल रहे हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन मेथड पे. A mixture of surfactant, cholesterol and diacetyl phosphate in chloroform is made into thin film by evaporation. एक मिक्सचर लेते हैं हम इसमें सर्फेक्टेंट, कोलेस्ट्रॉल और डाईएसिटाइल फोस्फेट का. इन तीनों चीज को लेके हम डाल रहे हैं क्लोरोफॉर्म में और फिर इसकी क्या बना रहे हैं, थिन फिल्म बना रहे हैं. थिन फिल्म बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रेशन का. तो इसको हम हाइड्रेट कर रहे हैं एक्वस ड्रग सोल्यूशन से. और वो जो सस्पेंशन है, अब इसमें एक जो अलग चीज है जो अभी तक हमने किसी में नहीं पढ़ी, वो है पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन. आप इसको ऐसे याद रखना, मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन, मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है ना, तो याद रख लो पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन इसमें एक नई चीज है. उसके थ्रू आप पास कराओगे, इसलिए पास कराओगे जिससे जो नियोजोम्स का साइज है आप उसको कंट्रोल कर पाओ, कम ज्यादा जैसा आपको चाहिए आप उसको ऑब्टेन कर पाओ. तो ऐसा आप 8 पैसेजेस तक करोगे, पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन से पास कराओगे, बाकी सब सेम है. नाउ नेक्स्ट आता है सोनिकेशन मेथड. इसके बाद मैंने डायग्राम इन दोनों का लगाया हुआ है तो उससे मैं एक और बार आपको बता दूंगी. अ टिपिकल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वेसिकल्स इज बाय सोनिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. इन दिस मेथड एन एलिकोट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इन बफर इज एडेड टू द सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल मिक्सचर इन अ 10 ml ग्लास वायल. द मिक्सचर इज प्रोब सोनिकेटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स यूजिंग अ सोनिकेटर विद अ टाइटेनियम प्रोब टू यील्ड नियोजोम्स. देखो ये बोल रहे हैं सोनिकेशन मेथड हमारा क्या है. इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ड्रग सॉल्यूशन लिया, 1 एलिकोट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन लिया, हमने उसको बफर में ऐड कर दिया. ठीक है, बफर में लिया था हमने, फिर हमने उसको सर्फेक्टेंट, जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ड्रग है, ड्रग सॉल्यूशन बना के रख लिया, सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल का मिक्सचर बना के रख लिया, कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मिला दिया, एक वायल में ग्लास वायल ले ली उसमें मिला दिया और प्रोब सोनिकेट कर दिया. दो टाइप के सोनिकेटर्स आपको मिलेंगे, प्रोब सोनिकेटर, बाथ सोनिकेटर. इसमें आपको प्रोब सोनिकेटर का यूज करना है, उसमें एक प्रोब होती है, उसके थ्रू ऐसे हम इसको पूरे मिक्सचर को रख देंगे. ठीक है, ये कंडीशंस कब तक रखनी है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट्स के लिए, ये नहीं है 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, 3 मिनट के लिए आपको उसे रखना है. और वो जो प्रोब होती है ना, वो कौन सी प्रोब होती है, इट इज अ टाइटेनियम प्रोब. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द बाथ सोनिकेटर. देख रहे हो कितना सिंपल सा है, बस उसमें बीकर रख देते हैं. अगर आपने यूज नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ, बाथ सोनिकेटर क्या होता है, ऐसे ही होता है और उसके ऊपर ना उसका आपने बीकर रखा, उसको ऑन कर दिया, आप उसके टाइम एंड ऑल हर चीज एडजस्ट कर सकते हो तो वो सोनिकेट कर देता है, मिक्सिंग वगैरह भी अच्छी हो जाती है. और प्रोब सोनिकेटर में ऑन दी अदर हैंड एक प्रोब होता है ऊपर, इसके थ्रू आपकी मिक्सिंग हो रही है. और एक्सट्रूशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सट्रूशन मेथड में मैंने कहा था ना पॉलीकार्बोनेट फिल्टर होगा. तो ये देखो यहाँ पे इसने फिल्टर की प्रेजेंस दिखाई है, फिल्टर सपोर्ट एंड ड्रेन सिस्टम, ये आउटलेट है, इससे एक्सट्रूडेड नियोजोम्स मिल रहे हैं, जैसे साइज के आप चाहते हो वैसे मिल जाएंगे आपको. ठीक है, दूसरी चीज ये सोनिकेशन है, ये एक्सट्रूशन मेथड मैंने आपको बता दिया. अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक ऐसी जनरल सी चीज बता दी है कि ड्रग सॉल्यूशन बफर में लिया, सर्फेक्टेंट कोलेस्ट्रॉल मिक्सचर में उसको ऐड किया, मिक्सचर को हमने सोनिकेट किया और यूनिलेमिलर नियोजोम्स हमें मिल गए. उसके बाद अब हम आते हैं इमल्शन मेथड पे. अभी तक मैंने आपको कौन कौन से मेथड पढ़ा दिए, ये सारे मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए, हैंड शेकिंग, रिवर्स फेज, ईथर इंजेक्शन, मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन,
एंड सोनिकेशन। तो उसके बाद अब हम आते हैं इमल्शन मेथड पे, लिपिड इंजेक्शन मेथड भी है। फिर पहले इमल्शन मेथड पढ़ लेते हैं। द ऑयल इन वाटर इमल्शन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सोल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट कोलेस्ट्रॉल एंड एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ड्रग। एक हम इमल्शन बना लेते हैं। कैसे वो इमल्शन हम बनाएंगे? ऑर्गेनिक सोल्यूशन लेंगे सर्फेक्टेंट का, कोलेस्ट्रॉल का, और एक्वस सोल्यूशन लेंगे ड्रग का। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बन गई। कुछ भी नहीं करना, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमें इवेपोरेट कर देना है, जिससे हमें नियोजोम्स मिल जाएंगे। देखो ये मैंने मेन उसमें नहीं डाला प्रिपरेशन मेथड्स में, क्योंकि जो मेन मेन थे ना, मैंने उनको ही उसमें ऐड किया है। इमल्शन एंड लिपिड इंजेक्शन इतना मेन है नहीं, एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि और मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। लिपिड इंजेक्शन मेथड, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फेज। ये अच्छी बात है कि इसमें कोई भी एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फेज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें सब में ऑर्गेनिक फेज चाहिए था। हेयर द मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड सर्फेक्टेंट इज फर्स्ट मेल्टेड एंड देन इंजेक्टेड इन टू अ हाईली एजिटेटेड हीटेड एक्वस फेज कंटेनिंग डिसॉल्व ड्रग। यहाँ पे आप क्या करते हो, लिपिड लोगे, सर्फेक्टेंट लोगे, उन दोनों को मेल्ट करोगे और एक हाईली एजिटेटेड हीटेड एक्वस फेज में, जिसमें ड्रग भी पड़ी है, उसमें इंजेक्ट कर दोगे। एजिटेटेड मतलब समझते हो, मतलब हाईली एजिटेटेड हो, मिक्सिंग हो, या फिर धीरे धीरे हिलता हुआ सा जो सोल्यूशन होता है ना, उसमें डाल दोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप ड्रग को ही एक्वस में डाल के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको मोल्टन लिपिड में भी डाल सकते हो और एक्वस फेज को आप सर्फेक्टेंट को मिक्स करके बना सकते हो। तो वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, दोनों से नियोजोम्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ड्रग में एक्वस फेज में डालूंगी तो ही नियोजोम्स मिलेंगे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जैसा मन है आप वैसे कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब आता है बबल मेथड। बबल मेथड इज अ नोवल टेक्निक, इसका भी डायग्राम है उससे समझेंगे। इट इज अ नोवल टेक्निक फॉर द वन स्टेप प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स एंड नियोसोम्स विदाउट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब लिपिड इंजेक्शन में भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं था, इसमें भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, इससे हम लिपोसोम्स एंड नियोसोम्स दोनों बना सकते हैं। अब ये जो बबलिंग यूनिट होती है, ये समझो होती क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, इसमें तीन नेक्स होती हैं, और ये पूरी असेंबली हमारी वाटर बाथ में है, जिससे टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। वाटर कूल रिफ्लक्स एंड थर्मोमीटर इज पोजिशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड नेक एंड नाइट्रोजन सप्लाई थ्रू द थर्ड नेक। क्या क्या होता है, एक वाटर कूल रिफ्लक्स होती है फर्स्ट नेक में, थर्मोमीटर होती है सेकेंड नेक में, और नाइट्रोजन सप्लाई होती है थर्ड नेक में। कोलेस्ट्रॉल एंड सर्फेक्टेंट आर डिस्पोज टूगेदर इन दिस बफर एट 70 डिग्री सेल्सियस। द डिस्पोजन मिक्स फॉर 15 सेकेंड्स विद हाई शियर होमोजिनाइजर एंड इमीजिएटली आफ्टरवर्ड्स बबल्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस यूजिंग नाइट्रोजन गैस। आप कोलेस्ट्रॉल सर्फेक्टेंट लोगे, उनको डिस्पोज करोगे, उस डिस्पोजन को आप हाई शियर होमोजिनाइजर से मिक्स करोगे और फिर नाइट्रोजन गैस से बबल करा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, वी विल ऑब्टेन नियोजोम्स। See, this is the assembly of your bubble method. Here you can see three necks हैं यहाँ पे, एक में आपका thermometer है, एक में water cooled reflux है, एक में nitrogen gas का supply है। यहाँ पे एक heater jacket है, एक hot plate stirrer है, temperature control करने के लिए भी है, condenser भी है, और fume exhaust भी है। तो इसके through we can make neosomes, इसमें कोई भी organic solvent हमें नहीं चाहिए। Now हम इनको प्रो नियोजोम से भी बना सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जब स्टार्टिंग में। प्रो नियोजोम्स क्या होता है, अनादर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग नियोजोम्स इज टू कोट अ वाटर सोल्यूबल कैरियर सच एज सॉर्बिटॉल विद सर्फेक्टेंट। हम क्या करते हैं कि अपना ना एक वाटर सोल्यूबल कैरियर ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने सॉर्बिटॉल का एग्जाम्पल दिया है, उसको हम सर्फेक्टेंट से कोट कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ कोटिंग इज अ ड्राई फॉर्मुलेशन, एक ड्राई फॉर्मुलेशन बन जाती है। हमेशा थिन लिपिड फिल्म बनानी पड़ी थी, यहाँ बनानी नहीं पड़ेगी। इन विच ईच वाटर सोल्यूबल पार्टिकल इज कवर्ड विद थिन फिल्म ऑफ ड्राई सर्फेक्टेंट। बिल्कुल सही बात है, हर एक वाटर सोल्यूबल पार्टिकल किससे कवर हो गया, एक थिन फिल्म से कवर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रो नियोजोम्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रो नियोजोम्स। इसके बाद द नियोजोम्स आर रिकग्नाइज बाई द एडिशन ऑफ एक्वस फेज, सब में एक्वस फेज डाल रहे थे, कितने टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर मोर देन द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ब्रीफ एजिटेशन, और थोड़ी सी हम एजिटेशन भी करेंगे। तो मेन पॉइंट आपका क्या है कि हमें एक्वस फेज ऐड करना है एट टेम्परेचर मोर देन द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आपका ये कैरियर था इसका और सर्फेक्टेंट था।
कैरियर पे हमने कोटिंग करी सर्फेक्टेंट की, प्रो नियोजोम्स हमें मिल गए, फिर हमने उसकी हाइड्रेशन करी, वॉटेक्स किया और फिर हमें नियोजोम्स मिल गए जिसमें दोनों ही आपके वो थे, हाइड्रोफोबिक रीजन एंड हाइड्रोफिलिक रीजन। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोफ्लूडाइजेशन मेथड। Microfluidization is a recent technique to prepare unilaminar vesicles of defined size distribution. ये एक बहुत ही recent technique है जिससे हम unilaminar vesicles बनाते हैं एक defined size distribution के। The method is based on submerged jet principle. किस principle पर based है ये? Submerged jet principle, in which two fluidized streams are interacted at ultra high velocities in precisely defined micro channels within the interaction chamber. हम इसमें क्या करते हैं, एक तो ये submerged jet principle के ऊपर based है, दो आप fluidized stream लोगे, उन दोनों को interact कराओगे बहुत ही ज़्यादा high velocity पे, ठीक है, और एक precisely defined micro channels होते हैं उसी interaction chamber में हम इनको interact कराते हैं। The impingement of thin liquid sheet along a common front is arranged such that the energy supplied to the system remains within the area of neosome formation. ये जो हम एक दूसरे को इनको मतलब इंटरैक्ट करा रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए जो पूरी उसकी एनर्जी है ना सिस्टम की, वो नियोजोम के फॉर्मेशन एरिया के अंदर अंदर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, जहाँ पे नियोजोम फॉर्म कर रहे हैं उस एरिया तक ही ये एनर्जी सीमित होनी चाहिए। द रिजल्ट इज अ ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी, स्मॉलर साइज एंड बेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ नियोजोम्स फॉर्म्ड। इससे हमें अच्छे नियोजोम्स मिलते हैं, उनकी यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है, साइज भी स्मॉल होता है, वो रिप्रोड्यूसिबल भी होते हैं। तो मैंने वो क्या बताया कि ये रीसेंट टेक्निक है, सबमर्ज जेट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यूनिलेमुलर लिपो नियोजोम्स हमें इससे मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, आपने अपना ड्रग इंट्रैप कर लिया, सब कुछ आपका हो गया, बट कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग हमेशा अनइंट्रैप्ड रहता है, तो उसको भी तो रिमूव करना है। अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट्स वगैरह तो सब खराब आएंगे ना। तो हमने बोला कि तीन प्रोसीजर हैं अगर हमें अनइंट्रैप्ड ड्रग को भी तो हटाना है, तो मैं डायलिसिस, जेल फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफिकेशन यूज कर सकती हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। डायलिसिस में क्या होता है, द एक्वस नियोजोमल डिस्पर्जन इज डायलाइज्ड इन डायलिसिस ट्यूबिंग अगेंस्ट फॉस्फेट बफर और नॉर्मल सलाइन और ग्लूकोज सोल्यूशन। देखो एक ना डायलिसिस ट्यूबिंग आती है, अगर आपने ना देखा हो तो ऐसे एक सेलोफिन जैसी ट्यूब होती है, जैसे टेप देखिए आपने वैसी, वो लंबी सी होती है बहुत, और जब उसको पीबीएस वगैरह में डालते हैं ना तो वो स्वेल अप हो जाती है। तो क्या होता है, हम उसको दो एंड से टाई करते हैं, अपनी नियोजोम की डिस्पर्जन उसमें फिल कर दो, PBS बफर बनाओ, बीकर में डालो और ये पूरी असेंबली उसमें डाल दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा कि आपका कितना ड्रग अनइंट्रैप्ड पड़ा हुआ है और कितना आपका इंट्रैप हुआ है, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ करी हुई है, मैंने जब बनाए थे तो मैंने भी ये टेस्ट करा था, तो अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप इसको करके देख सकते हैं। सेकेंड इज जेल फिल्ट्रेशन मेथड। द अनइंट्रैप्ड ड्रग इज रिमूव्ड बाय जेल फिल्ट्रेशन ऑफ नियोजोमल डिस्पर्जन थ्रू अ सीफरटेक्स G50 कॉलम एंड इल्यूशन विद फॉस्फेट बफर्ड सलाइन और नॉर्मल सलाइन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सीफरटेक्स G50 का कॉलम ले सकते हो, इसके थ्रू आप जेल फिल्ट्रेशन से अपना अनइंट्रैप्ड ड्रग क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रीफिकेशन पे। The नियोजोमल सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड द सुपरनेटेंट इज इवेपोरेटेड। हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया सेंट्रीफिकेशन असेंबली से, और उसके बाद जो सुपरनेटेंट था हमने उसको इवेपोरेट कर दिया, ठीक है। द पैलेट इज वॉश्ड एंड देन रीसस्पेंडेड टू ऑब्टेन अ नियोजोमल सस्पेंशन फ्री फ्रॉम अनइंट्रैप्ड ड्रग। वो जो भी हमें पैलेट मिली उसको हमने वॉश किया और रीसस्पेंड कर दिया, जिससे हमें क्या मिला, एक नियोजोमल सस्पेंशन मिली जिसमें कोई भी अनइंट्रैप्ड ड्रग नहीं था, सारा ड्रग इंट्रैप्ड था। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर योर थर्ड लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आपके सारे मेथड्स पढ़ लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लीव अ लाइक एंड कॉमेंट, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बहुत हेल्प होगी, एंड आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो आई विल मीट यू इन नियोजोम्स नेक्स्ट लेक्चर।